हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए काफी सारे वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो इस बार मैं आप लोगों के लिए एक वोकैब कोर्स लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को 30 डेज के अंदर मैं 30 वर्ड सिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे वो एग्जैक्टली वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं उनको, और क्या वो वर्ड्स होंगे, और बिल्कुल आप लोगों के लिए नए होंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उनको अभी तक यूज नहीं किया होगा, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन होगा उसके बगल में, उसको भी आप लोग हिट कर दे ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। उसी के नीचे हमारे सोशल हैंडल्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का, चाहे तो उनको भी ज्वाइन कर लें, काफी सारा फ्री स्टफ आप लोगों को मिलता रहता है, उनका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक वोकैब कोर्स लॉन्च किया है हम लोगों ने आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 50 रुपीज में जो वोकैब कोर्स है ये मिल जाएगा। और इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को 10,000+ वर्ड्स नए वोकैबलरी लर्न करने को मिलेगी, यानी कि ये जो आप लोग अगर इस कोर्स को लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कैट एंड मैट स्नैप और काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को मेरा पर्सनल ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला वर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं पहला वर्ड के बारे में बताता हूँ, जो पहला वर्ड है वो है फ्यूटाइल, और इसको आप लोग ऊपर से जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्यूटाइल, तो ऐसे इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फ्यूटाइल है वो है एक एडजेक्टिव। तो चलिए और जान लेते हैं फ्यूटाइल के बारे में कि फ्यूटाइल क्या है। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, यानी कि कुछ ऐसा करना जो कि आप लोगों के लिए रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट ना हो। समथिंग दैट इज नॉट वर्थ ऑफ योर टाइम, यानी कि कुछ ऐसा कर देना जो कि आप लोगों के लिए आपका जो समय है, जो बहुमूल्य समय है, उसका मतलब इक्वलेंट ना हो, मतलब आप लोगों को वर्थ ना हो उस चीज की, उस काम की जो आपने किया। और उसके बाद कह दे सकते हैं हम कि जैसा इस तरीके का काम करने के बाद आप लोगों को कोई रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं, तो सिंपली हम कह सकते हैं नो रिजल्ट अचीव्ड। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं फ्यूटाइल का मतलब होता है ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट ना मिले आप लोगों को, और जिसकी कोई वर्थ भी ना हो, यानी कि कोई इंपॉर्टेंस ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूटाइल क्या होता है। तो चलिए उसी से जुड़ते एक वर्ड और है, यानी कि फ्यूटाइली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में एक एडवर्ब होता है। तो इन दोनों जो वर्ड्स हैं, इन लोगों को आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इन चीजों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो सेंटेंस लिखा है जिसमें लिखा हुआ है ओनली लर्निंग ग्रामर टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्लुएंसी इज फ्यूटाइल, यू नेवर गेट फ्लुएंट। जैसा कि मैं आप लोगों को काफी सारे वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि सिर्फ ग्रामर लर्न करने से आप लोगों का कोई फायदा होने नहीं वाला है, आप लोग की जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो यहाँ पे इस वर्ड को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है कि जो इंग्लिश ग्रामर को अगर आप लर्न करेंगे तो आप लोगों की जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे करेक्टली यूज किया गया है फ्लूटाइल, यानी कि आप लोगों ने कैसा काम किया जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, मतलब कुछ आपने ऐसा कर दिया जिसका मतलब जिसकी आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंस ना मिली हो, आपको कोई वर्थ ना मिला हो, यानी कि आप लोगों ने किया और ना किया बराबर है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं फ्यूटाइल, जो कि एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा इस चीज को। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए लिखा है द लॉकडाउन वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ द कोविड केसेस कीप ग्रोइंग, यानी कि यहाँ पे जो मेरा वर्ड है, यानी कि जो यहाँ पे मेरा सेंटेंस है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लॉकडाउन है वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो सकती है, यानी कि किसी भी वर्थ की नहीं है, यानी कि आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, यानी कि आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होगी अगर जो केसेस हैं वो ग्रो होते रहे। तो यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से फ्यूटाइल को यूज किया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए तीसरा जो सेंटेंस है वो भी लिया है, जिसमें हमने लिखा है गेट रिड ऑफ दीज फ्यूटाइल थॉट्स यू विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि बेवजह के जो थॉट्स हैं उनको आप लोगों को रेड करना चाहिए। इस आपको सेंटेंस में समझना है कि हमने फ्यूटाइल को किस तरीके से, किस अच्छी तरीके से यूज किया हुआ है, यानी कि
जो कि आप लोगों के लिए, इसका क्या मतलब था फ्यूटाइल का, इसका मतलब ये था कि कुछ भी ऐसा काम जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस ना क्रिएट करता हो, यानी कि वर्थ ना हो, यानी कि यहाँ पे जो हमने यूज किया उसका क्या मतलब है, आप जो ये बच्चा है उसको रेट करना, यानी कि निकलना है उन थॉट से जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्यों वो अच्छे मार्क्स से पास होने वाला एग्जाम में, तो ऐसे थॉट्स जो कि उसको आ रहे हैं और जिसमें उसको लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा, उसके लिए कोई भी वर्थ ही नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट करते उसकी लाइफ में। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये समझा होगा कि फ्यूटाइल कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ, जो उसमें मैंने आप लोगों के लिए जो दूसरा वर्ड बताया था जो कि एडवर्ब था, यानी कि फ्यूटाइली, उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस कन्वर्सेशन में। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा इसके बारे में जानने में। तो चलिए चालू करते हैं। आई वर्क फ्यूटाइली ऑन अ प्रेजेंटेशन विदाउट चेकिंग द कैंसिलेशन ईमेल। यानी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यानी कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की प्रेजेंटेशन की, यहाँ पे भी आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि हम वो चीज बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने कैसे बोला है, आई वर्क फ्यूटाइली ऑन अ प्रेजेंटेशन विदाउट चेकिंग द कैंसिलेशन ईमेल। मैंने काम किया बहुत ज्यादा जिस काम की कोई वर्थ नहीं होने वाली है, क्या नहीं चेक किया मैंने, ईमेल कैंसिलेशन, जो कैंसिलेशन ईमेल आ गया था उस काम के लिए, यानी कि एक ईमेल आया था जिसमें बोला गया था कि आपको अभी काम नहीं करना है क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन नहीं देनी है आप लोगों को, कैंसिलेशन हो गई है प्रेजेंटेशन की, लेकिन आपने काम किया बहुत ज्यादा। और क्यों काम किया, मतलब क्या काम किया आपने, अब वो आपके किसी काम तो आने वाला नहीं है क्योंकि प्रेजेंटेशन तो कैंसिल हो गई है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, ही फ्यूटाइली ट्राइड टू कन्विंस रिया टू मैरी हिम। यानी कि उसने बहुत ज्यादा कन्विंस किया रिया को उससे मैरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने वर्ड यूज किया है फ्यूटाइली, तो इसका क्या मतलब है, उसने कन्विंस तो किया लेकिन रिया नहीं मानी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसने अपना काम तो बहुत किया, यानी कि उसने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन उसके जितने भी प्रयास थे वो किसी वर्थ नहीं आए, यानी कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुई, यानी कि उनकी कोई भी मदद नहीं की है उसके प्रयास। तो यहाँ पे आपने क्या काम किया जो कि आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से मददगार नहीं हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा ये सेंटेंस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ये याद रखिए कि आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भैया, काहे के लिए आप वेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।